मैं खड़ी हूँ एम्स्टरडम में और मेरे पीछे है INS तरंगिनी और मैं अभी आपको मिलवाती हूँ शिप के क्रू से। तरंगिनी का मीनिंग है रिवर और ये लिया गया है शब्द तरंग से जिसका मतलब होता है लहरें। 1997 में कमीशन की गई ये शिप यूज करी जाती है इंडियन नौसेना के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए। INS तरंगिनी एक ऐसी शिप है जो 2003 से 2004 में पूरे विश्व का पूरे ग्लोब का चक्कर लगा चुकी है और इस यात्रा का नाम दिया गया था बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप अक्रॉस द ओशंस, यानी कि 7 समुद्रों को अपने दोस्ती के पुल से बांधना। इस यात्रा को पूरा करने में लगे थे 15 महीने, 61,000 किलोमीटर, 18 कंट्रीज और 36 पोर्ट्स। पिछले 15 सालों में ये शिप 39 कंट्रीज, 74 पोर्ट्स, 3,48,000 किलोमीटर, 2100 डेज और 13 एक्सपेडिशंस पूरे कर चुकी है। इस साल 2022 में ये शिप निकली है 8 महीने की यात्रा के लिए जो कि शुरू हुई थी 6 अप्रैल को कोची केरला से और अंत होगी नवंबर में। इस साल की जर्नी का नाम है लोकायान 2022 जिसमें ये कवर करेगी 17 पोर्ट्स, 14 कंट्रीज और ट्रेन करेगी 300 ट्रेनर्स को। मैं हूँ इस टाइम पे INS तरंगिनी द शिप फ्रॉम इंडिया जो कि 3-3.5 महीने सेल करके एम्स्टरडम में पहुंचे हैं और ये लोग यहाँ पर आए हैं। टॉल शिप का सेलिंग इवेंट है जो बेल्जियम में होने वाला है। कब से शुरू है सर? 26 जुलाई से शुरू है और ये 3-3.5 महीने सेल करके एम्स्टरडम पहुंचे हैं। 10 दिन तक एम्स्टरडम में थे और मैं आपको दिखाऊंगी जैसे इनके शिप है, ये रहते कैसे हैं शिप पे और इंटरेस्टिंग सी चीजें INS तरंगिनी के बारे में और इन सब के बारे में। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हेमंत कुमार। हेमंत कुमार, ये इंडियन नेवी की शिप है, इंडियन नेवी से सेल ट्रेनिंग शिप। अच्छा, कोची में। अच्छा, कोची बेस्ड। कोची, ये 1997 में बनी हुई है, झारखंड। ये भी झारखंड की है। हिमांशु। अच्छा, फर्स्ट ट्रिप है ये? ये तो फर्स्ट। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? तो इतना टाइम रहने में सी सिकनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता? अभी तक तो हुआ नहीं, सेलिंग पे गए थे बट अभी तक हुआ कुछ नहीं। और डर नहीं लगता? तो आप कहाँ से हैं? मैं असम से। असम से? कहाँ से? आंध्रा से। हो कितने दिन से आप लोग बाहर हो? हम 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने। अब इसके बाद कहाँ जाने वाले हो? बेल्जियम। अच्छा, उसके बाद हम सलाला आए थे। हाँ? ओमान। अच्छा, ओमान। सलाला में फर्स्ट पोर्ट वही था हमारा। कोची से हम सलाला आए फर्स्ट टाइम, उसके बाद जिबूती में आए, जिबूती, उसके बाद जेद्दा सऊदी अरेबिया, उसके बाद इजिप्ट। अच्छा, कैनाल को पार करते। अरे वाह। उसके बाद आए हम माल्टा में, एक आइलैंड है रेड सी में, मेडिटेरियन सी में आइलैंड है। उसके बाद अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आए पुर्तगाल में लिस्बन। अच्छा, उसके बाद फ्रांस जर्बर्ग एंड देन अफ्रीका। फिर यहाँ के बाद कहाँ जाने वाले? यहाँ के बाद बेल्जियम जाएंगे। बेल्जियम। अच्छा, एंटवर्प से हमारा रेस स्टार्ट होगा। तो ये कौन सा इवेंट है, ये क्या है? ये सेल ट्रेनिंग शिप का टॉल शिप रेसेस में पार्ट है। टॉल शिप्स रेसिंग। इससे बड़ी बड़ी जहाजें, इसके सिमिलर, इससे छोटी जहाजें, मतलब जो पूरी कंट्री में जितनी भी कंट्रीज है उनमें से सब में से जहाजें आएंगे। मतलब अच्छा, बेल्जियम से एल्बोक तक डेनमार्क। अच्छा, वहाँ से एल्बोक तक हमारा रेस होगा कंपटीशन। वाओ। अच्छा, बेल्जियम से एल्बोक तक सारी कंट्रीज की शिप आएंगी, वहाँ पे हमारा कंपटीशन होगा वहाँ। तो आपको तो पूरा एक साल में खेल से इसी इवेंट में चला जाएगा, 6-5-3-4 महीने सेलिंग। हाँ, आने फिर ये इवेंट और फिर वापसी 3-4 महीने, 7.5 महीने और रहना शिप पे ही है। बाइक रेसिंग होती है, जो शिप है ये हवा से चलती है। हाँ, वो सेल सेलिंग शिप है ना? ये सेलिंग शिप है, ये सेल्स हैं, डाउन कर देते हैं, इसमें हवा भरते हैं, गुब्बारा बनता है। वाह, तो आप लोग पूरे रेडी हो जीतने के लिए? अच्छा, आप लोगों का क्या रोल रहेगा वहाँ पर जब रेस होगी? तो जितने भी आप मार्च देख रहे हो, 20 सेल्स है हमारे पास। 20 सेल्स है। दो सेल है जो स्टॉर्म सेल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग
सबसे एक्सेप्शनल रफ वेदर कंडीशन में यूज़ करते हैं। अच्छा और 18 सेल से जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग जब भी सेल करने जाते हैं ना, हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे स्ट्रिंग्स बंधा हुआ वहाँ पे रिंग, तो पहले ऊपर से वहाँ खोलना पड़ता है। अच्छा, ये जो रोप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रोप्स हैं जितने भी, हाँ, इससे हम लोग यहाँ पर खोलते हैं, जैसे भी उसको बंद करना रहा, मिल से बंद करना रहा ऊपर से। अच्छा, तो हम लोग ये रोप से मैन करते हैं। अच्छा, किसी ना किसी को वहाँ पे चढ़ करके खोलना पड़ता है ऊपर तक। तो आप कैसे चढ़ते हैं, मतलब सीढ़ी वगैरह लगा के? अच्छा, ये चढ़ने के लिए बना हुआ है सारा। वाओ, दो सौ छह रस्सी है। दिस इज कॉल्ड क्लू, क्लू लाइन। वो जो ऊपर वो है मेटल स्टील। अच्छा, हाँ, दिस इज कॉल्ड बेंट लाइन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज है इनका। वाओ, ये बर्थिंग हाउजर है शिप को जट्टी से सिक्योर करने के लिए। सेल फेस्टिवल में भी यही शिप आती है ना, जो इंडियन जो सेल फेस्टिवल होता है एम्स्टर्डम का? एम्स्टर्डम वो सेल फेस्टिवल लास्ट ईयर 2018 में हुआ होगा, कोरोना से पहले हो। हाँ हाँ, तभी तरंगिनी 2018 आई थी, यही वाली शिप आई थी ना, यही वाली। मुझे याद आता, हम नहीं थे। अच्छा, हाँ, क्रू चेंज होता रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पांचवी बार आई है, इसके अंदर ही रहते हो? हाँ, ये आप देख सकते हो इधर से, ये मेस है, बेड वगैरह लगे हैं। मुझे स्पेशल परमिशन मिल गई है, माय गॉड, ये सीढ़ियां बहुत स्टीप है। आराम से जाना। हाँ जी, हाँ जी, ओके। मैं उतर के आई हूँ शिप के बेसमेंट में, जहाँ पर ये ट्रेनीज और क्रू मेंबर्स रहते हैं। जो इनके बेड्स लगे हैं वो ट्रेन के स्लीपिंग कंपार्टमेंट से भी छोटे और कंजस्टेड हैं। इतनी सी जगह में इतने लंबे टाइम तक ये लोग सी में रहते हैं, वो भी। मुझे यहाँ पर खड़े रहने से इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इतनी रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है सभी ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं, टू गेट ट्रेन्ड टू सर्व द कंट्री, टू सर्व अस, टू सर्व द नेशन एंड टू ब्रिंग प्राइड टू द कंट्री। हैट्स ऑफ टू देम। बस कुल मिला के ये छोटी सी जगह ही है जहाँ पर इन्होंने अपने घरों से दूर एक छोटी सी दुनिया बसा रखी है समुद्र के बीच में, जहाँ पे ये रहते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं और अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। लेकिन आपको हैट्स ऑफ है, भी आदत हो गई है। आदत हो गई है। ट्रिप में क्या है कि ये जो 50 मीटर की जहाज है, 50 मीटर का है पूरा एरिया, 50 मीटर, अच्छा 54 मीटर का है। अच्छा, इसी में सब कुछ रखना है, हमें राशन भी रखना। एक बार टूर दोगे शिप का? 40 क्रू ऑन बोर्ड है। हाँ जी, 40 क्रू है, 40 क्रू ऑन बोर्ड है। हाँ हाँ हाँ, और ऑल ओवर इंडिया होंगे ना सारे, डिफरेंट पार्ट से। हाँ, अच्छा, पंजाब से भी है, क्या बात है, साउथ में केरला से भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग। अच्छा, इसकी इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट यहाँ से ऊपर तक की हाइट है 33 मीटर। 33 मीटर टॉल, and the length है इसकी 54 meters. 54 meters. ये life raft है actually. जब मान लो आपको ship पानी में डूब रहा है या कुछ, तो जब पानी 5 to 7 meters यहाँ भर जाएगा ना, तो sensor है यहाँ पे, ARH लगा रहता है, automatically उसको खोलेंगे ना, पूरा इसके अंदर raft है। अच्छा, करके ये पानी में चला जाएगा, एंड देन यू कैन एस्केप फ्रॉम द शिप। उसमें भी अलॉटेड रहता है कि इस राफ्ट में कौन-कौन को बोर्ड करना है उसका। अच्छा, ऑलरेडी है कि ये राफ्ट किसके लिए है, सिचुएशन में ऐसा ना हो, हाँ, कि सब सब एक में जंप करें। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ये राफ्ट्स हैं। अच्छा 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 अच्छा, असाइंड रहेगा कि आपको किस साइड वाला राफ्ट, हाँ हाँ, अप्रोच करना है। ठीक 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 ठीक। क्या है? मूरिंग विंच बोलते हैं। मूरिंग विंच, मतलब जैसे कि ये अभी ये हम लोग सिक्योर किए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, इसी तरह कभी कभी क्या होती है, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके थ्रू हम लोग इसको वहाँ पे सिक्योर करेंगे। अच्छा, ओके 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 ओके, यूज करके हम लोग सिक्योर करने के लिए। अच्छा, फिर ये सब हम लोग का विजिट्स होते रहते हैं। ये फोटोज है 2015 की। 15 की, ये कैसी ऊपर ये बोट रखी है? ये लाइफ बोट है। लाइफ बोट है, वो भी उनको भी स्विमिंग वगैरह आती होगी, सब कुछ, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, जो मतलब ये ऑपरेशंस में भी होते हैं उनको भी सब सीखना ही है, हाइजीन के काम कर रहा है जो। अच्छा, काम करता है, हाँ हाँ हाँ, सबको स्विमिंग, हाँ हाँ हाँ, कंपलसरी है। पांचवी बार यहाँ पे हम,
हैं पांचवी बार आप पांच बार आ चुके हो मैं पहली बार आप कब से इंडियन नेवी में मैं इंडियन नेवी में 2018 से 18 से हो कितने टाइम की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है मतलब हमारी ट्रेनिंग ही है ये ट्रेनिंग का पार्ट ही है सारा हम लोग का बेसिक एकेडमी ट्रेनिंग हो चुका है और हमें से जो कुछ लोग कमीशन हो चुके हैं बाकी है अच्छा कमीशन होंगे तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर एम्स्टर्डम में आए 10 दिन हो गए 10 दिन से आप यहाँ पे हो अरे वाह तो घूमे कहीं घूमे एम्स्टर्डम में नहीं अभी काफी घूम लिया ठीक है तो आपको 3-3.5 महीने ऑलरेडी हो गए आपका पूरा ट्रिप जो जाएगा वो 7.5 महीने का है ना टोटल तो आप बस थोड़ा सा कुछ पर्सनल बताओ मतलब फैमिलीज को कैसा लगता है जब आप इतने लंबे टाइम के लिए आते हो यहाँ पर ऐसे टूर्स पे ये तो मेरा ऐसे लंबा पहली बार है मैंने सबसे पहले 3.5 महीने का किया अच्छा अच्छा इसमें इतना फील नहीं होता कि तो शादी नहीं शादी हुई है एक महीने का बच्चा छोड़ गया अच्छा मार्च में तो वो मतलब जब तक जाऊंगा तो बच्चा चलने लग जाएगा ये तो है ना पूरा मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का होने वाला पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहता है बहुत फील प्राउड अच्छा लगता है उन्हें इवन पेरेंट्स और रिश्तेदार जो भी गांव में सुनता है अच्छा लगता है हाँ अच्छा मतलब जैसे आप निकलते हो रात के टाइम पे जब शिप चलती है तो मतलब थोड़ा डर नहीं लगता पानी में आदत हो गई है और सबसे ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस एडवेंचरस जो लगा हो कि भाई ये बहुत ही खतरनाक ऐसा कभी कुछ हुआ पानी आता है खतरनाक ये रहता है कि मैम आप देख सकते हो आगे का इसको बो स्प्रिट बोलते हैं जब लहर आती है तो पानी पूरा इसके ऊपर से अंदर आ जाता है पूरा अच्छा अच्छा गन ये वाली गन पोस्ट्स हैं ये वाली गन पोस्ट ओके गन पोस्ट्स हैं जैसे इतने इतने महीनों आप रहते हो पानी में तो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हो मुझे लगता नहीं अभी टीवी ये सब इंटरनेट वगैरह ऐसा कुछ हमारा नीचे टीवी है टीवी है अच्छा एंटरटेनमेंट का एक अलग से रूम है उसमें बैठ के सब बातें करते हैं हां टीवी में अच्छा गेम भी है मूवी वगैरह देख सकते हो ऐसे इंतजाम रहता है मूवी भी देख लेते हैं अच्छा क्या बात है हां अच्छा टीवी में हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी वगैरह के जो सोल्जर्स होते हैं बहुत गाने वगैरह गाते हैं आप भी गाते हो ऐसे क्या बात है आपके लिए पूरे आपकी दुनिया ही समुद्र में है कभी वेल्स वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिली है मिलती है अच्छा 1997 से ये शिप बहुत सारे फेस्टिवल्स में पार्ट ले चुकी है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पीट कर चुकी है और बहुत सारे ट्रेनिंग्स को भी ट्रेन कर चुकी है तो इस शिप की हिस्ट्री जानने के बाद इन क्रू मेंबर से बात करने के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं ताकि सब जान पाएं इस शिप की अचीवमेंट्स के बारे में किस तरह से शिप ने हमारे पूरे कंट्री को इतने प्राउड मोमेंट्स दिए हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर बहुत मजा आया शिप के बारे में जानकारी मिली एंड थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपके कंपटीशन के लिए हम रियली होप करेंगे कि आप जीतो इस बार का कंपटीशन बिल्कुल बिल्कुल और आपकी हम न्यूज़ पेपर में फोटो देखिए तो और मजा आएगा अब तो आपको पर्सनली हम जान भी गए हैं ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू सो मच बहुत अच्छा टाइम आपने हमें दिया थैंक यू जैसे हम कहते हैं ना कि 7 समुंदर पार करना वैसे ही इस शिप ने सच में 7 समुंदर बहुत सारी लेक्स बहुत सारे बड़े बड़े कैनाल्स पार करें और वाकई में ही पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुकी है तो ये थी INS तरंगिनी और हमें बड़ा मजा आया शिप देखने में शिप के कैप्टन से बात करने में सच अ प्राउड फीलिंग इन लोगों से बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि मैं मतलब एम्स्टर्डम में मुझे लगा मैं इंडिया में ही हूँ सब अलग अलग जगह से लोग थे आसाम और वो कहाँ से थे जो आंध्रा राजस्थान राजस्थान मतलब ऑल ओवर इंडिया आज के लिए इतना ही जय हिंद एंड प्राउड ऑफ आवर इंडियन नेवी एंड INS तरंगिनी